दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं और एनआईएस डीएलएड में आने वाले एग्जाम में अगले 5 दिन में आप इसे फॉलो कर लेते हैं तो गारंटी है कि आपको कोई भी 90% मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता है, इसकी मैं गारंटी देता हूं। और जब योर ऑनलाइन पार्टनर गारंटी दे रहा है तो आप इसको समझ सकते हैं कि अगर सही में आपने वो काम पूरा कर लिया तो सही में आपको कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहले हम आपको यहां पर बताने वाले हैं जो आपका एग्जाम आने वाला है सेकेंड सेमेस्टर का, उसमें आपको पैटर्न वही रहेगा जो पहली बार था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 10 रहेगा जो कि आपका 2-2 मार्क्स का रहेगा, और उसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा जिसमें से कि 10 में से आपको 6 क्वेश्चन बनाना है। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो टोटल 30 मार्क्स यहां से हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से 20 मार्क्स हो गया। और यहां पर जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा उसमें से 4 लॉन्ग क्वेश्चन में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है तो उस 2 में से आपका 10-10 मार्क्स रहेगा, 20 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न है। तो आप बिल्कुल ये ध्यान में रखिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 10ों में 10ों बनाना है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आपका 10 में से सिर्फ 6 क्वेश्चन बनाना है, लॉन्ग क्वेश्चन आपका 4 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन बनाना है। और यहां पर मैं आपको बताता हूं 2 प्लान, अगर इस दोनों में से आपने पहला प्लान फॉलो किया तो बिल्कुल आप गारंटी के साथ यहां पर 90% लाएंगे, और अगर आपने प्लान बी फॉलो किया तो उसमें भी आप बेहतर मार्क्स लाएंगे। हालांकि प्लान ए बेहतर प्लान है, प्लान ए में मैं बताता हूं आपको क्या करना है। आपने अभी तक जो भी वीडियो देखा, नहीं देखा, कुछ भी देखा, सब छोड़ दीजिए, अभी से आप स्टार्ट करिए। यहाँ पर अनएकेडमी पे जो अपना लिंक है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक है, वहाँ पर जाइए और अनएकेडमी पे जाके अपने चैनल पे आप देख सकते हैं आपको ब्लॉक वाइज जो है वहाँ पर शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है। और उस शॉर्ट नोट्स सिर्फ नोट्स नहीं है, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकलता है, उससे शॉर्ट क्वेश्चन भी निकलता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी निकलता है, बिल्कुल डायरेक्ट वहाँ पॉइंट वाइज दिया गया है, मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। तो आप जाइए उसके बाद, ये प्लान ए में मैं बता रहा हूँ, प्लान ए में जाइए, 504 का ब्लॉक वन का यहाँ पर पूरा लेसन एक साथ है, 505 का ब्लॉक वन का लेसन एक साथ है, फिर 504 के ब्लॉक टू में 3 पार्ट है, चूँकि ब्लॉक टू में बहुत ज़्यादा जो है न्यूमेरिकल सम्स हैं और वहां पर बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से कहिए थ्योरम वगैरह है, तो 504 के ब्लॉक टू में पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री है, और 505 के ब्लॉक टू में सिर्फ एक ही है। उसी प्रकार से 505 के ब्लॉक टू, ब्लॉक थ्री में एक एक ही पार्ट है। तो ये जाके खोलिए, आप ओपन करिए एक एक करके, ब्लॉक वन से ओपन करिए और उसके बाद उसके अंदर जितना भी लेसन है एक बार गहरी सांस लेके एक बार बैठ के 1.5 से 2 घंटा में देख जाइए सारे लेसन को, आसानी से आप देख पाएंगे। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, आसानी से 1.5-2 घंटा में बैठ के सारे ओपन करिए लेसन को, और उसके बाद जितने भी लेसन है उस कोर्स के अंतर्गत उस पूरे यहां पर 10-15 लेसन जो भी है सारे लेसन्स को एक बार में देख जाइए। उसके बाद आप जब ये देख रहे होते हैं तभी आपको याद होगा हमने आपको शॉर्ट नोट्स का भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है बिल्कुल मुफ्त में, और आपको एमसीक्यूज का भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया है। तो यहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, चारों लिंक डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, यह है आपका 504 का शॉर्ट नोट्स, यह है 505 का शॉर्ट नोट्स, उसके बाद यह है आपका 504 का एमसीक्यू क्वेश्चन और 505 का एमसीक्यू क्वेश्चन, चारों का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो जब आप यहां पर वीडियो देख रहे होते हैं अनएकेडमी पे तो आप ये शॉर्ट नोट्स को ओपन रखिए, है ना, ये शॉर्ट नोट्स को ओपन रखिए और उसको देखते रहिए, क्योंकि सेम पैटर्न पे आपको पीडीएफ दिया गया है। तो वहां पर पीडीएफ आप सामने रखिए और अनएकेडमी पे ब्लॉक वन से वीडियो देखना शुरू करिए। ये सारा जो है ना, यहीं से आपका लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन सारा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अगर आपने इसको घोंट के पी लिया, घोंट के पीना समझते हैं ना, बिल्कुल अच्छे से अगर आपने तैयार कर लिया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। अब आप यहां पर जो थोड़ा सा भी स्मार्ट होंगे ना वो बेहतर मार्क्स कर पाएंगे। आप यहां पर ये मत सोचिए कि डायरेक्ट यहां पर ये वर्ड पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है, ये अगर आपको कंसेप्ट पता है तो यहां पर देखिए क्या है क्वेश्चन, मान लीजिए कि पूर्ण तथा पूर्णांक संख्या पर व्यकलन या घटाना से क्या अभिप्राय है, इसी को आपको दूसरे तरफ से पूछ दिया जाएगा। तो अगर आपने ये कंसेप्ट पढ़ा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, और अगर आप यहां पर साथ में यहां पर वीडियो देख रहे हैं तो पूरे अच्छे से सरल भाषा में एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरी आपकी तैयारी हो जाएगी। और यहां पर मैथ्स में हो सकता है कुछ आपको सम्स भी पूछे जाएंगे, तो आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि 10 में से सिर्फ आपको 6 क्वेश्चन बनाना है शॉर्ट क्वेश्चन में, क्या आप 10 में से 6 क्वेश्चन ऐसा चूज नहीं कर पाएंगे जो कि आप बना लेंगे, बिल्कुल आप कर पाएंगे। उसी प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन में 4 में से आपको बस 2 क्वेश्चन चूज करना है और जो आपका बेस्ट लग रहा है वो 2 क्वेश्चन को जो है लॉन्ग क्वेश्चन में चूज करिए, और शॉर्ट क्वेश्चन में 10 में से जो 6 आपको बेस्ट लग रहा है वो चूज करिए, है ना, कि जो भी जिस मैं तो आपको कहता हूँ कि अगर सम्स आते हैं तो वो आपके लिए बेटर होंगे क्योंकि इजी सम आएंगे और उसे आप आसानी से उस प्रॉब्लम को बना पाएंगे, और उसको आप अगर बना लेते हैं तो वो एग्जैक्टली एक्यूरेट मार्क्स मिलेगा अगर आप उसको सही सही बनाते हैं। तो अटेम्प्ट करने का आप जरूर, वहाँ पर अगर आपको लगेगा कि आपके मतलब आप आराम से कर सकते हैं तो वो आप आसानी से उसी पे अटेम्प्ट करिएगा, और
मुझे उम्मीद है कि वो बिल्कुल ही जो है मिड क्लास का सम देंगे, बहुत हाई फाई सम नहीं देंगे, तो आसानी से आप उसको बना पाएंगे। और जिन्होंने अन अकेडमी पर सारा वीडियो देखा है ना, उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। रही बात 505 में, वहाँ पर आपको थ्योरेटिकल प्रश्न नहीं आएंगे, तो वहाँ पर भी आपको 10 में से 6 तो ऑप्शन रहेगा ना, और दीर्घोत्तरीय में भी 4 में से बस 2 बनाना है। तो आप देखिए कि कितना बेहतर ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। और अगर आपने जो ये 504 और 505 का पीडीएफ है ना शॉर्ट नोट्स का, इसे अच्छी तरीके से हर एक शब्द को, हर एक डेफिनेशन को, हर एक कंसेप्ट को अच्छे से तैयार कर लिया है, तो कहीं से यहाँ पर से बाहर नहीं आएगा। जिन लोगों ने सही में दिमाग लगा के पढ़ा है इसको, मैं कह रहा हूँ कि उनका बहुत ही अच्छा मार्क्स एग्जाम जाएगा। और जिन लोगों ने बस देखा है और इसी में थोड़ा सा स्मार्टली क्वेश्चन को घुमा दिया गया और वो आंसर नहीं कर पाएंगे, तो फिर मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग जो योर ऑनलाइन पार्टनर से जुड़े हैं वो बेहतर करके आएंगे, सिर्फ और सिर्फ वो अगर इसको अच्छे से अनअकैडमी पर जो ये नोट्स दिया हुआ है इसको अच्छे से तैयार करें और इसे रटे नहीं है, जिस जो इसे समझे हैं और समझ के अपने भाषा में और भी बेहतरीन तरीके से लिख दें एग्जाम हॉल में। क्योंकि देखिए, एक छोटा सा एक पॉइंट है जो हमने आपको डिस्क्राइब किया और वीडियो में मैंने आपको पूरा कंसेप्ट उसको बताया, जब अनअकैडमी पर आप देख रहे हैं तो, और उस कंसेप्ट को अगर आप समझ गए तो आप उस पर एक पन्ना, दो पन्ना कितना भी लिख सकते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल देके, अलग अलग सिचुएशन बता के, अपने स्कूल के बारे में कुछ बता के आप आराम से लिख सकते हैं, स्मार्टली लिख सकते हैं। और उसके बाद हमने एमसीक्यूज की भी आपको बड़ी लिस्ट दी है, और इसे अगर आप तैयार कर लेते हैं और आसानी से आप इसे 5 दिन में तैयार कर लेंगे, इतना का वो नोट्स है, आप बैठ जाइए, जिस भी प्रकार से होता है आप तैयारी कर लीजिए, और आप जानते हैं कि कितना कम समय है और आपके कैरियर के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो बढ़िया से तैयारी करिए। ये हो गया आपका प्लान ए। और प्लान बी में है कि अगर आप मान लीजिए वीडियो नहीं देखना चाहते हैं या आपको नहीं लग रहा है कि आप उससे कर पाएंगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ जो पीडीएफ दिया हुआ है उस पीडीएफ से तैयारी कर लें, उस पीडीएफ से पढ़ लें, ये प्लान बी है। ये मैं मानता हूं कि अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप बेहतरीन समझ पाएंगे, सिर्फ पीडीएफ में अगर आप देखेंगे तो। हालांकि इसमें मैंने काफ़ी यहाँ पर नोट्स की तरह आप लोगों को दिया है, लेकिन फिर भी पीडीएफ मटेरियल मटेरियल ही होता है, वीडियो से देखना जैसा उसी तरीके से होता है जैसा कि आप सामने बैठ के समझते हैं, क्लास में समझते हैं, ट्यूशन में समझते हैं, उसी प्रकार से वो वीडियो है, तो वो बिल्कुल बेहतर होगा। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ से भी अगर आप बढ़िया से पढ़ने के लिए, हर इंसान का कैपेसिटी अलग अलग होता है, अगर आप सिर्फ पीडीएफ से देख के अच्छे से अपने आप में विजुअलाइज करके समझ लेते हैं तो समझ लीजिए, लेकिन इसको आप पूरा करिए और इसे आप जो है आज एग्ज़ाम में जाके बेहतर कर पाएंगे। अगर नहीं किए हैं शुरू तो अभी से शुरू कर दीजिए। प्लीज़ आप कमेंट करिए क्या आप आज से रिवीजन शुरू कर रहे हैं, आज से आप रिवीजन शुरू करिए, पूरे वीडियोस को देखिए और सामने पीडीएफ रखिए। अगर आपने प्रिंट आउट नहीं कराया तो प्रिंट आउट करा के ले आइए सारे पीडीएफ का, और यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चारों लिंक पीडीएफ का आपका दिया हुआ है, और जाके आप उसे बेहतरीन तैयारी कर लीजिए। हो गया दोस्तों, ये हमारी आपकी साथ शुभकामना है, और आगे भी हम आपके साथ वैसे जुड़े रहेंगे। और लास्ट बात, जिन लोगों ने 506 507 का बुक अपना बुक नहीं किया है, जो अपनी तरफ से बुक यहां पर जो है मार्केट में है, तो उनके लिए 250 रुपीज में यहां पर ऑफर था, जो कि पब्लिशर के तरफ से अभी कुछ दिनों के लिए है आप लोगों के लिए। जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए यहां पर लिंक आज भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप यहां पर जो है ये फॉर्म भरें, सबमिट करें, अभी आपको पैसा नहीं देना है, आपके घर पर डिलीवरी ऑर्डर जब पहुंचेगा तो आप उनको 250 रुपीज देंगे, 506 507 का साथ में आपको बुक मिल जाएगा, हिंदी या इंग्लिश मीडियम का, ये दोनों में से कोई सेलेक्ट कर लेंगे। मिलेंगे नई वीडियो में, दीजिए इजाजत, बाय बाय, जय हिंद।